दोस्तों पितृपक्ष के किसी भी दिन गाय को खिला दे, चुपचाप एक चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में पितृपक्ष के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर पितरों की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में गाय को चुपचाप एक चीज खिलाने से पितरों को शांति मिलती है और पितृ खुश हो जाते हैं। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा, पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी सात पूछते तक करेंगे। रूपों पैसों पर बैंक बैलेंस पड़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। महायोग टीवी चैनल आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसीलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें। गौ माता के लिए एक लाइक जरूर कर दें और जय हो माता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती, अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि पितृपक्ष के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में सदैव भर रहेंगे, जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको पितृपक्ष के किसी भी दिन यह उपाय को कर लेना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलेगी और उनकी कृपा आप पर हमेशा बरसेगी। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको पितृपक्ष के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट-कट यकीन मानिए, जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको उपाय कैसे जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बढ़ाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। क्यों कहीं कि आपके जीवन में अपार धन सुख सब, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, यदि आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे, अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों अभी तक आपने जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिखते दोस्तों, आज की पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह है यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। जी माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपाय को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना भूल इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। अन्य धन वर्षण के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पितृपक्ष के दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है।
पितृपक्ष के दिन और इस दिन समझ जाता है। अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि दोस्तों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथी से जो पितृपक्ष का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले पितृपक्ष के दिनों उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौथी, उसमें आपको कल आगे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बात ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बातें लगाकर चारों दीपक मतलब कर भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में दो सबूत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मानकर। दोस्तों, नया योग टीवी में सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। दोस्तों, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, प्रयोग में है। इस बार वासिया जो है तो उपाय को जरूर करें। फुलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को सात पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, काम चूमते हैं, सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से जुड़े उपाय हैं, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं का बरसती है। हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वामी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और ना गायों को हर आचार्य जरूर खिलाएं, शांत हो जाते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी।
और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय भाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गए के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी आ गए दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है, नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूर लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहां जाता है, ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके बीच पर बैठने से महापाप लगता है, ऐसे लोगों को ना कि यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गांव वंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। देसी गाय की पीठ पर जो का खुद को बाण होता है वह बृहस्पति गुरु है, अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं।
गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सब जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां गाय को खिलाएं, इन पर थोड़ी थोड़ी हल्दी जरूर लगा दें। इसके बाद को खिलाएं, हर एक लोहे को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी इस बात का। जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको यह गौ माता का उपाय पितरों की शांति एवं खुशहाली के लिए जरूर कर लेना है। धन्यवाद। 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पिटारी इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इस अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय है जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष कहीं होता है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मन ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर एक नागरिक को महायोग टीवी चैनल के माध्यम से इतनी ज्ञानवर्धक बातों का सभी को ज्ञान कराया जा सके। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो से हर एक माता बहन, हर एक भाई बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृ पक्ष का महत्व क्या है और पक्ष में कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए, जैसे पितृ पक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह जानकारी से वंचित न रह पाए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वहां और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वहां की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल।